ओम शांति। आज की शिक्षा प्रद कहानी इस प्रकार है। एक आश्रम में एक साधु रहता था, हमेशा भगवान की भक्ति में लीन होता था, प्रभु से अति प्रीत थी। आश्रम में लोग आते थे, उनका सत्कार करता था, जाने वालों के लिए मोहनी दर्शाता था। अगर कोई रहते थे उन्हें बहुत अच्छा लगता था, अकेला होने पर भी हताश नहीं होता था, सभी परिस्थितियों में एक रस स्थिति में रहता था। एक बार तीन युवक आश्रम में आए, साधु को मिले। साधु ने उनको पूछा, आप यहाँ क्यों आए हो? एक युवक ने कहा, मैं यहाँ कुछ रहना चाहता हूँ। साधु ने कहा, कोई परेशानी नहीं, आप आराम से रह सकते हो। दूसरे युवक ने कहा कि साधु जी, मैं कुछ जानना चाहता हूँ। साधु ने कहा, बहुत अच्छी बात है, याद रखो, जानना है तो मन बुद्धि को एकाग्र रख करके जानने की चेष्टा करना, समर्पित भाव से जानने की चेष्टा करना। तीसरे युवक ने कहा कि साधु जी, मैं यहाँ पर जीना चाहता हूँ। साधु ने कहा कि रहना, जानना, इनसे भी ऊंची स्थिति है जीना। जीवन तो बड़ा सरल बीतता है, पर जीना बड़ा कठिन है। उसके लिए परमात्म अनुभूति करनी होती है, प्रभु में एक लय हो जाना होता है। युवकों को बहुत अच्छा लगा, उन्होंने साधु के मार्ग पर चलना आरंभ कर दिया। कहानी से हमें ये बोध प्राप्त होता है कि प्रभु ने जो हमें अनमोल मनुष्य जीवन दी है, तो हमारा कर्तव्य बनता है कि हम जीवन जीने की कला सीखें, जिससे हम जीवन के अंदर बहुत कुछ प्राप्त कर सकते हैं, जीवन को सफल कर सकते हैं और अन्य आत्माओं के लिए प्रेरणादायी बन सकते हैं। ओम शांति।